नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः एक प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक, ऊपर उठना है तो खुद को हल्का करें। हाँ मित्रों, एक पर्वतारोही के बारे में जानते होंगे कि वो अपने साथ भारी भरकम बोझा लेकर ऊपर नहीं चढ़ता, केवल जरूरत की चीजों के साथ आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से वह उन्हीं चीजों को लेकर ऊपर चढ़ता है जो जरूरी भी हैं और उसके चढ़ने में सहायक। क्या हो अगर वो फालतू की चीजें भी अपने ऊपर लाद ले, तब क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा? क्या वो उस ऊंचाई को हासिल कर पाएगा जिसे छूना चाहता है? आप सबका एक ही उत्तर होगा, नहीं छू पाएगा। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर हमें ऊपर, बहुत ऊपर उठना है, हमें अपने बिजनेस में नंबर एक बनना है, अपनी जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस करना है, कंपनी का सबसे बढ़िया सेल्समैन बनना है, अपने क्लास में फर्स्ट आना है, अपने खेल में माहिर बनना है, अपनी कला में निपुण बनना है, तो हमें अपने ऊपर से फालतू चीजों का बोझा हटाना ही होगा। अब जाने कौन सी फालतू चीजें, ध्यान देकर देखेंगे तो कई ऐसी चीजें नजर आ जाएंगे जो फालतू हैं, जो आपको ऊपर उठने से रोकती हैं। नकारात्मक विचार, आपका आलस, आपके अंदर का डर। अपने भीतर झांकिए तो सही, आपको ऐसी कई बेकार की चीजें दिख जाएंगी जिनसे अगर आप छुटकारा पा लें तो आपको शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। क्या ये करना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आसान होता तो सब शिखर पर होते और फिर शिखर की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ऐसा करना आसान नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि हम वर्षों से लाइफ के पुराने परंपरा में बंधे हुए, पुराने सेट पैटर्न में बंधे हुए हैं। हमारे सोचने का एक तरीका है, काम करने की एक आदत है, ये सब रातों रात नहीं बदला जा सकता। पर जरूरी इस बात को समझना है कि इसे बदला जा सकता है। हाँ, इसे बदला जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितनी हिम्मत दिखाते हैं। और अगर आप आज तक उस चोटी पर नहीं पहुंचे जिस पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इसे बदलना ही होगा। वरना अगर आप अब भी वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं, तो आपको अभी भी वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। क्या आपको जिंदगी भर असंतुष्टि में रहना है, निराशा में रहना है? क्या आपको इस दुख के साथ चले जाना है कि वो खुदा जो चाहेगा वही होगा, या इस खुशी के साथ जीना है कि मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं? हाँ दोस्तों, जिंदगी रूपी पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको खुद हल्का होना होगा, मिटाना होगा
अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना होगा, उस आलस को जिसने आज तक आपको रोके रखा है। हराना होगा उस डर को जो आपको अपने दिल की आवाज सुनने से रोकता है। एक बार ऐसा करके देखिए और फिर आप जान पाएंगे कि सचमुच जिंदगी कितनी खूबसूरत है। शायद आप सोच रहे हो कि किया कैसे जाए, जानते हैं ऐसा पढ़ने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यही सोचेंगे और उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, वही पुरानी रूटीन, वही पुरानी लाइफ जिसे लादे लादे वे अपनी जिंदगी गुजार देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद से प्रश्न पूछेंगे कि ये किया कैसे जाए, हम अब जिंदगी को यूं ही नहीं जाने देंगे। वे अपना उत्तर ढूंढेंगे, वे अपने बेकार के भार को उतारने के लिए कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे। वे इस बात की शिकायत नहीं करेंगे कि उन्हें कोई बना बनाया तरीका नहीं दिया गया, बल्कि वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने किसी माध्यम से उनके अंदर जिंदगी के शिखर पर पहुंचने की चिंगारी जलाई। और एक दिन वो उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां से दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखती है। आइए चलें, शिखर पर चलते हैं। धन्यवाद।